थोड़ा सा। नमस्कार, जैसे कि मैंने मेरा नया चैनल YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया है मधु स्किल्स विद स्टाइल, और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ढेर सारा प्यार हम मेरे चैनल को देते रहिए। धन्यवाद। अभी मैं देसुर में आई हूँ। यहाँ पे पूरा ईंट का काम चलता है। इस तरह से पूरा ईंट का काम मतलब यहाँ पे शुरू है, और यहाँ पे उनका एक घर है ऐसे दो रूम का। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे सांप आया करके उन्होंने फ़ोन किया था। जाके देखेंगे कि उसको किस तरह से पकड़ेंगे। साप को नल दिसला ए सेम ले मुझे न्यू मोर ले सेंटर हेलो सेंटर है कुठे है इले तो साप मिले नहीं थे यहां पे इधर पड़ो पीछे हां इधर पड़ो कहीं यहां पे इस यहां पे यहां पे नहीं रहेगा वो अंदर वगैरह जाएगा ना इधर से बाहर वगैरह नहीं गया ना मोटे हुड़क राम है मैडम बुद्ध बाळा समोर का त्याच्या खालीकडे गेला ना हे सोडून बघूया जरा काम करते बरोबर हां काय ते गिरी आला रे काय गिरे बैटरी 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 अरे बैटरी लपा मोबाईल इधर आ इधर देख न्याय के त्रिपुट भगवान का बचाओ बचाओ फटफट बस 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 कर दिया
ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿರ್ಬ ಉಂದರ ತಿತ್ತಾಯ ಉಂದರ ಓರ್ ಕೊಂಡ ಚಡ್ಲ ಐ ಶಪತ್ काय करायला होते त्या साईडला पण येऊ शकतो साप तोंड तिकडे आहे त्याच तिकडे पण येऊ शकतो तो तुम्ही थोडं लक्ष द्या इस तरह से ये पाइप में जाके बैठा है साहब और यहाँ पे पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है एक साइड से हम काटे अंदर मतलब उस साइड से काटी उसको टच करने का लकड़ी टच करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक वो लकड़ी नहीं पहुँच रही है और सांप को जब तक एंड तक टच नहीं होता है तब तक सांप बाहर नहीं आता है तो हम कोशिश कर रहे हैं देखते हैं कि हमारी कोशिश कहाँ तक सफल होती है खाली तोंड आहे बघा खाली गेले तोंड तिथे इस तरह से उसने चूहे खाए थे मतलब चूहों के बच्चे हैं बहुत सारे और इस सांप ने उसको खाया था और चूहों के लिए सांप आ जाते हैं
इतने सारे मतलब पांच चूहों के बच्चे खाया था उसने। ये रेड स्नेक है। अभी मैं नीचे उतरती हूँ जाके, मतलब नीचे हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। लेकिन ये छोटा भी है, आप बहुत बड़ा है करके बोल रहे थे ना। वीडियो में कौन है? बड़ा है करके बोल रहे थे ना, उतना तो बड़ा नहीं है। आप बड़ा है करके बोल रहे थे, उसके हिसाब से मैं ढूंढ रही थी उसको। और यहाँ इस पाइप में उतना दिख भी नहीं रहा था वो। ये रेड स्नेक चूहे ज्यादा खाता है, वहाँ पे चूहे बहुत ज्यादा है, देखा ना। और ऐसे सब आपके यहाँ रहना चाहिए, रहना चाहिए सब ऐसे, क्योंकि चूहे खाते है ना ज्यादा। और ये खाएगा चूहे तो आपके यहाँ दूसरे सपने आएंगे ना, इसलिए रहना चाहिए। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ब्राउनिश है थोड़ा ऐसा है। महंगे से आपको काटता है, सभी को काटता है, लेकिन हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, पकड़ते किस तरह से, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये नॉन वेनमस होता है। और ये तो थोड़ा पूरा स्किन उसका, इसका जो है मतलब नाक की तरह दिख रहा है, मतलब कोबरा की तरफ वही, मतलब स्किन सेम सेम कोबरा के जैसे दिख रहा है। इसको कोई बीच में देखेगा तो बोलेगा कि ये कोबरा ही है, लेकिन ये रेड स्नेक है। इसका पूछ जो है, पूछ की तरफ से वो धामन ही दिख रहा है, लेकिन इसके बीच का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसका एक कलर और उसका डिजाइन पूरा कोबरा की तरह है। इतना छोटा है, लेकिन इसने पांच बच्चे खाए थे चूहों के, पांच है ना वहाँ पे, और बहुत सारे भी वहाँ पे चूहे थे। इतने से सबको चूहे डर कर भाग जा रहे थे इधर उधर। ये तो इतना छोटा है, वहाँ पे जाने के लिए कितना बड़ा जगह है। मैंने तो बोला कि 10-11 फीट का सांप भी वहाँ से आराम से जा सकता है, और वहाँ पे पेड़ भी है ना, तो वहाँ से चढ़कर ऊपर से आराम से बाहर जा सकता है। आपने उसको कहाँ पर, मतलब यहाँ से नीचे से जाते हुए देखा था क्या? कौन देखा था? आपने देखा था, यहाँ से गया था क्या? नीचे से गया था। आप वहीं पर रहते हो क्या, बाहर ही रहते हो? हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।